IPL सीजन 15 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रन से हरा दिया। वही केकेआर के सामने 157 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम ने 148 रन ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर और ये मैच हार गई। वही केकेआर की लगातार चौथी हार में दरअसल इस मैच में 48 रन बनाकर टॉप स्कोरर कोलकाता की तरफ से रहे। वही गुजरात की 7 मैचों में ये छठी जीत के साथ ही टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर आ गई है। वही टीम ने अब तक एक ही मैच हारा है। वही कोलकाता की 8 मैचों में ये 5वीं हार रही है। वही केकेआर ने अब तक केवल 3 मैच ही जीते हैं। वही से पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन का स्कोर बनाया था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगातार तीसरी बार 50 लगाई और सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। वही केकेआर की ओर से आंदर रसल ने 4 विकेट लिए और 48 रन भी उन्होंने बनाए। बात करते हैं कोलकाता के टॉप स्कोरर की, तो कोलकाता के टॉप स्कोरर आंदर रसल रहे। इसके बाद में अपर उमेश यादव ने 15 रन बनाए थे। वेंकटेश अय्यर भी 17 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके अलावा रिंकू सिंह ने 35 रन की पारी खेली और सैसर जो कप्तान है वो 12 रन बनाकर आउट हुए 15 गेंदों में। उन्होंने अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का यहाँ पर लगाया था। वही यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट चटके। वही यश दयाल ने भी यहाँ पर 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट यहाँ पर लिए, यानी 2 विकेट इस बार यहाँ पर इस टीम ने लिए है। वही गुजरात टाइटंस का ये यहाँ पर अच्छी जीत रही है। गुजरात की बैटिंग की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा कप्तान हार्दिक पांड्या ने 67 रन बनाए। इसके अलावा डेविड मिलर ने 27 और यहाँ पर रिद्धिमान शाह ने 25 रन बनाए। वही शुभमन गिल इस मैच में सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे और आउट हो गए। राहुल तेवतिया भी यहाँ पर 17 रन बनाए थे, 12 गेंदों में 2 चौके अपनी पारी में यहाँ पर लगाए थे और गुजरात इस मैच को यहाँ पर 8 रन से जीत लिया है। वही कोलकाता की लगातार चौथी हार है इस आईपीएल में।